कीमती समय निकाल के इस मीटिंग में आए हैं। और सबसे पहले तो महागुरु जी का आज बर्थडे है, बहुत बहुत दिल से शुभकामनाएं। गुरु जी का आशीर्वाद, गुरु जी का प्यार ऐसे ही हम सब लोगों में बना रहे, गुरु जी का एक एक दिन ऐसे ही हंसियां मतलब खुशियों से भरा रहे और हम लोगों का आशीर्वाद बरसता रहे। बहुत बहुत बधाई महागुरु जी को। बाकी दोस्त आज की मीटिंग बहुत ही स्पेशल है, मुझे नहीं पता आप लोगों ने आज इस चीज को ज्वाइन किया है या आज से 10 दिन पहले शुरू किया है या फिर आज से 10 महीने पहले शुरू किया है, लेकिन आज हमको ऐसी बहुत सारी बातें सीखने को मिलने वाली हैं जो कि हमने कभी शायद सोची नहीं होंगी कि महागुरु जी से डायरेक्ट क्या इतने कम लोगों के बीच में भी मिलने का मौका मिलेगा क्या, क्योंकि अब तक आप महागुरु जी को देख रहे थे लाइव वेबिनार में कभी 10 लाख लोगों के साथ में, कभी 15 लाख लोगों के साथ में, कभी 500 लोगों के साथ में, 700 लोगों के साथ में, लेकिन अभी महागुरु जी का इतना मतलब बड़ा दिल है कि गुरु जी ने उपेंद्र यादव जी के लेवल पर ये समय दे करके गुरु जी का मतलब बहुत बड़ा आशीर्वाद हमको आज मिलने वाला है दोस्तों। और गुरु जी को स्क्रीन पे कॉल करने से पहले मैं जरूर गुरु जी के कुछ फोटोज हैं मैं आपके बीच में शेयर करना चाहूंगा, आप ध्यान से सुने थोड़ा सा और देखें। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ये देखें किस तरीके से जिंदगी बदलती है सेफ शॉप में, आपको दिख रहा होगा फोटो के थ्रू गुरु जी जब टोपाज बने थे तो इस तरीके से थे और आज गुरु जी आपके सामने स्क्रीन पे हैं। फोटो तो मैं लगा दिया है, फोटो तो शायद इतना अच्छा नहीं है लेकिन गुरु जी जो स्क्रीन पे दिख रहे हैं बहुत दमदार दिख रहे हैं महागुरु जी आज तो आज जिंदगी किस तरीके से बदली है सेफ शॉप में, इस बात से आपको आइडिया हो जाएगा तो कहीं ना कहीं हम लोग भी उसी रास्ते पे हैं, हमारी जिंदगी भी उस तरीके से बदल सकती है। दूसरा महागुरु जी का मानना है अच्छे लोग बहुत ही सस्ते होते हैं, बस मीठा बोलो और खरीद लो, बिल्कुल जीता जाता वाराणसी। आज महागुरु जी जिस तरह की लेवल है, जिस तरह का एक औहदा है गुरु जी का, जिस तरह का आज व्यक्तित्व है गुरु जी का, इस तरह से छोटी छोटी टीम में आना, मैं देखा था कल हम लोग 10-12 लोगों की केवल मीटिंग कर रहे थे उसमें भी गुरु जी आए थे, तो मैं तो सोच नहीं सकता मीठा बोले गुरु जी को खरीद ले, तो हम कहीं ना कहीं बहुत सौभाग्यशाली है कि हम लोग गुरु जी के नेटवर्क में गुरु जी के साथ हमको काम करने का मौका मिल रहा है। महागुरु जी का बहुत ही फेवरेट कोट है, जिंदगी में बड़ी शिद्दत से निभाओ अपना किरदार, गिरने के बाद भी तालियां बजती रहें, पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रहें, तो ये बहुत मैं कई बार सुना है गुरु जी से के गुरु जी को बोलते हुए, तो दैट्स व्हाई मुझे शायद लगता है गुरु जी शायद इसीलिए इतनी मेहनत करते होंगे गुरु जी के जो रोल मिला है जो वो पूरी तरीके से मतलब इतना भयंकर तरीके से इतना दमदार तरीके से निभाना है उसको, हमको भी कहीं ना कहीं दोस्त गुरु जी लोगों को कहीं ना कहीं कॉपी करना है और कुछ बड़ा करके दिखाना है। गुरु जी का कहना है कुछ बनना है तो शौक से बनो, पर एक ख्याल रखना भीड़ का हिस्सा मत बनो, हाँ भीड़ जिसके लिए जुटे वो किस्सा जरूर बनना आप। और दोस्तों आज वो हमको सीखने को मिलेगा कि हम किस तरीके से सब कर सकते हैं। गुरु जी का कहना है स्वामी विवेकानंद जी ने कोट का कोट गुरु जी ने शेयर किया अपने पेज पर, तो मैंने ये थोड़ा शेयर करना चाहा आपके बीच में, जीवन लंबा होने के बजाय महान होना चाहिए। और मेरे को ऐसा लगता है कि महागुरु जी और हम लोग इतना ईश्वर का आशीर्वाद है हम लोगों पे कि महागुरु जी हमारे साथ में है। महागुरु जी आज की डेट में आप देखेंगे तो इतनी कम उम्र पे पूरी इंडस्ट्री में मुझे नहीं दिखता कोई भी क्राउन मास्टर होगा पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड, तो इतनी कम उम्र पे गुरु जी की उम्र बहुत लंबी है और इतनी छोटी सी उम्र पे इतने बड़े काम हो गए, तो जब गुरु जी 100 साल के होंगे 120 साल के होंगे तब तक मुझे नहीं पता क्या होने वाला है दोस्त, कुछ चमत्कार ही होगा। गुरु जी जैसे पर्सनैलिटी कभी कभी धरती पर लोग आते हैं कहीं ना कहीं ईश्वर का एक आशीर्वाद रहता होगा, कुछ ऐसे महान सोल स्पिरिचुअल कहना चाहिए कि मेरे पास शब्द नहीं है, आप महसूस कर पा रहे होंगे कि किस तरीके से हैं। किस्मत हमारी आपकी किस्मत आपको मौका देती है, बस आपकी मेहनत सबको चौंका देती है, गुरु जी का ये कोट है दोस्तों। ये कहीं ना कहीं हमारी किस्मत ही है, हमने कभी सोचा नहीं था कि हम सेफ शॉप बिजनेस करेंगे, हमने कोई प्लानिंग नहीं करी थी, हमने पढ़ाई करी होगी, कोई व्यक्ति डॉक्टर बनता है, कोई व्यक्ति इंजीनियर बनता है, कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रोफेशन से होता है उसकी वो 5 साल 10 साल 12 साल तैयारी करता है, इवन छोटे छोटे पोस्ट रहती है आजकल हम देखते हैं आर्मी में या पुलिस में, उसके लिए भी आजकल हमारे युवा भाई सुबह 4 बजे उठ के पसीना बहाते हैं जाकर के सड़कों पे आप देखते हैं आजकल, उसके बाद उसको कहीं ना कहीं वो औहदा मिल पाता है, कई बार नहीं भी मिल पाता, तो वो किस्मत होती है मेहनत होती है। लेकिन हम लोग इस सेफ शॉप बिजनेस में आए हमारी किस्मत थी, हमने पहले डिसाइड नहीं किया था, ऊपर से हमको सक्सेसफुल सिस्टम मिला हमने डिसाइड नहीं किया था हमारी किस्मत थी, ऊपर से हमको रॉयल ड्रीमर्स टीम में ज्वाइन करने का मौका मिला ये भी हमारी किस्मत थी, और सबसे बड़ी बात हमें ग्रेट मेंटर महागुरु जी जसवीर सर के टीम में और महागुरु जी के सानिध्य में काम करने का मौका मिला, ये तो भयंकर हमारी बहुत बड़ी किस्मत थी, इसमें कोई हमारी मेहनत नहीं थी, इसका मतलब ईश्वर चाहता है कुछ बड़ा हो जाए, लेकिन दोस्त हमारी मेहनत सबको चौंका देगी दोस्त, वो केवल हमें हमारे हिस्से में आती है, वो हमें करनी है दोस्त। और कहीं ना कहीं मुझे पूरा उम्मीद है आप लोग कहीं ना कहीं तैयार होंगे, आप जानते हैं गुरु जी जब फेसबुक पे आए थे तो 10 लाख लोगों ने गुरु जी को सुना और अभी केवल 100-125 लोगों के बीच में गुरु जी समय दे रहे हैं, गुरु जी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो गुरु जी अभी शेयर करेंगे आपके बीच में, आप देख रहे हैं महागुरु जी की लाइफ स्टाइल देख सकते, न केवल महागुरु जी की लाइफ स्टाइल की बात करते हैं दोस्त आज, बल्कि महागुरु जी के साथ में जो भी लोग आए उनकी भी जिंदगी एकदम पूरी तरीके से बदली है, इनमें
ये बिल्कुल लाइव एग्जांपल आप देखेंगे हमारे ग्रेट मेंटर कितना बड़ा परिवर्तन है। ये गुरु जी की बात छोड़े आप हमें देखिए, रवि सर है और मैं हूँ, हमारी पहली दिशा का फोटो है आपके सामने स्क्रीन पे आपकी। हम लोग जब पहली दिशा में गए थे, आप जानते हैं आप लोग दिशा ट्रेन जाते होंगे, तो दिशा ट्रेन जब व्यक्ति जाता है ना पूरा एकदम सज धज के जाता है, कुछ कमी नहीं रह जाए, क्रीम पाउडर अच्छे से अच्छे कपड़े तैयारी करता है एक महीने पहले से कि दिशा में जा रहा हूँ दिशा में जा रहा हूँ, उस तरीके से। तब का हमारा ये फोटो है और ये अभी का हमारा फोटो है, आप देखेंगे अभी जो पिछली दिशा में हम लोग थे लास्ट में रवि सर और मैं। तो कहीं ना कहीं हमारी जिंदगी में भी इतना बड़ा परिवर्तन आ रहा है, इसके लिए गुरु जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप भी कहीं ना कहीं इस टीम के साथ में, इसके लिए आप लोगों का भी और बहुत बहुत मतलब ये जिंदगी आपकी भी डेफिनेटली बदलने वाली है। आप प्रवल जी को देखेंगे, प्रवल जी का बहुत सारा सपोर्ट आपको मिलता है, आपके बीच में रहते हैं प्रवल जी। प्रवल जी जब आए थे हम लोग साथ में, गुरु जी के साथ में फोटो है आप देखिए, आपने कल शायद ये व्हाट्सएप पर भी देखा होगा, सर ने अपने व्हाट्सएप पर इसको शेयर किया, और अभी करंट में आप देखिए किस तरीके से प्रवल जी फोटो शायद धुंधला भी है, लेकिन प्रवल जी जो स्क्रीन पर बैठे हुए हैं मुझको तो ऐसा लग रहा है पता नहीं कौन से बड़े वो है, ये टीवी चैनल के मालिक है क्या है, पूरा ऐसा न्यूज रूम तैयार कर रखा है क्या है, तो पूरा लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो गई है। दोस्त आपको लगता होगा अभी क्या 4 लाख का चेक है क्या नहीं, 4 लाख का चेक प्रवल का है कि नहीं है, 2 लाख का चेक है कि नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ता। आज मेंटल लेवल क्या है इससे फर्क पड़ता है, क्योंकि अगर मेंटल लेवल चला 4 लाख की हो गई है तो कल 4 लाख का चेक भी बनने वाला है दोस्त, फर्क चलो यहाँ से पड़ता है। बाकी मैं भी अपनी तरफ से ठाकुर जी का जन्मदिन है तो जरूर मैं बोलना चाहूंगा हैप्पी बर्थडे टू अ ट्रूली ग्रेट मेंटर, आवर रियल रोल मॉडल, थैंक यू ऑल बीइंग माय माय गाइडिंग लाइट इन माय लाइफ, जो हमारी जिंदगी में महागुरु जी ने इतना प्रकाश भरा है, इतनी सब कुछ दिया है, उसके लिए गुरु जी का बहुत बहुत तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। गुरु जी हमें पता नहीं हम गुरु जी को क्या किस तरीके से जो गुरु जी ने हमारी लाइफ में किया है हम किस तरीके से उसको उतार पाएंगे हमें पता नहीं। और आज गुरुजी का जन्मदिन है, तोहफा तो मैं कुछ ज्यादा लेके आया नहीं, लेकिन मैंने गुरुजी की यादगार में आज सुबह सुबह अपने होम गार्डन में एक पौधा लगाया है, आज का फोटो करंट का मेरा, आज सुबह सुबह अपने गार्डन में गया, गुरुजी का बर्थडे था, एक पौधा लेके आया मैंने लगाया, गुरुजी के गुरुजी को समर्पित है ये। और मैं चाहूंगा सभी लोग जहाँ भी हैं अपने 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 जगह पर अपने अपने जहाँ भी आप रहते हैं एक एक पौधा जरूर लगाएं गुरुजी के नाम से। इसी बात के साथ मैं बाकी आगे गुरुजी को इनवाइट करना चाहूंगा, दोस्त मेरे को शब्द नहीं मिल रहे, मेरी आवाज अटक रही थोड़ी सी, गुरुजी स्क्रीन पे है मैं देख पा रहा हूँ, आप लोगों की जोरदार तालियों से बुलाना चाहेंगे अवर ग्रेट मेंटर, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के एक अद्भुत बादशाह अवर ग्रेट मेंटर महागुरु श्री जसवीर सर, प्लीज गुरु जी स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत है गुरु जी, प्लीज वेलकम, स्वागत है महागुरु जी। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को नमस्कार। नमस्कार गुरुजी, बहुत बहुत मैं आप सभी लोगों का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने इतना जबरदस्त तरीके से मेरा बर्थडे सेलिब्रेट किया, इतने सारे लोग आप सब लोगों ने बर्थडे की सेरेमनी में शरीक हुए, आप सब लोग, आप सब लोगों का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, आप सब लोगों का प्यार मिला इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत सारे लोगों ने लिखित में भी मैसेज डाले उन सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और ये मेरी खुशनसीबी है कि आज मुझे आप लोगों से बातचीत करने का मौका मिला है, आज मैं आप लोगों के बीच में हूँ, आप लोगों से रूबरू हूँ हो रहा हूँ, ये मेरे लिए खुशनसीबी है। और मैं देख पा रहा हूँ आज हमारे बहुत सारे साथी आज इस मीटिंग में इतनी बड़ी संख्या में 120 से भी ज्यादा लोग आज इस मीटिंग के अंदर मौजूद हैं, मैं सब टाइगरों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बड़े बढ़िया वेल डिसिप्लिन में टाई वाई लगा करके मीटिंग के अंदर बैठे हैं, और ये वाकई में इस टीम का सिंबल है, डिसिप्लिन के लिए आप लोग जाने जाते हैं और डिसिप्लिन मुझे दिखाई दे रहा है। नहीं, मैं कई टीमों में देखता हूँ कई लोग चारपाई पर लेट के मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, कई लोग नंगे बैठ के मीटिंग अटेंड करते रहते हैं, लेकिन आप लोगों की टीम में ऐसा नहीं है, आप लोगों के सारे टाइगरों में जोश है, तो वैसे भी जोश क्यों नहीं हो, मॉर्निंग का टाइम है तो अभी तो नींद तो पूरी हो ही गई, अब काय के लिए लंबे टेढ़े होना फालतू, तो वाकई में बहुत बढ़िया, ग्रेट, शाबाश। तो मुझे खुशी है दोस्तों आप लोगों का मुस्कुराता हुआ चेहरा देख करके मुझे अच्छा लग रहा है और आज मुझे आप लोगों से बातचीत करने का मौका मिला है, मैं उम्मीद करता हूँ मेरी आवाज आप लोगों तक क्लियर आ रही होगी, बहुत बढ़िया। दोस्तों आज उपेंद्र जी के लेवल पे आज ये मीटिंग हम लोगों ने रखी है और शानदार प्रमोशन किया टाइगर साहब ने, उपेंद्र जी ने, और अपनी पूरी सेना को इस मीटिंग के अंदर लेकर के आए, मैं बधाई देता हूँ उपेंद्र जी, बहुत बहुत बढ़िया सर, बहुत बहुत बधाई आपको, दमदार सेना है सर आपकी। और आज अपन लोग जो बातचीत करने वाले हैं कि इस बिजनेस के अंदर जो हम शेप शॉप कंपनी की जब अपन लोग शुरुआत करते हैं, मेरी भी एक दिन ऐसी शुरुआत हुई, और इस बिजनेस में काम करने के दौरान जो हमारे दिमाग में बहुत सारे सवाल आते हैं, बहुत सारी चीजें चलती हैं सफलता असफलता को लेकर के, कि मैं जो मेहनत कर रहा हूँ इस मेहनत का क्या मेरे को रिवार्ड मिलने वाला है, मिलेगा भी या नहीं मिलेगा करके,
तो मैं आज यही सब बातें आप लोगों से करने वाला हूँ, और अगले आधा घंटे हम लोग बातचीत करेंगे कि सिप्स ऑफ कंपनी की पावर क्या है, इस बिजनेस के माध्यम से हमारे जीवन में क्या बदलाव आ सकता है, कहाँ तक हम अपनी जिंदगी में तरक्की ले सकते हैं, ये सारी बातें अपन लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहली चीज, जब अपन लोग बिजनेस को शुरू करते हैं तो हम लोग अलग अलग प्रोफेशन से निकल के आते हैं। कोई व्यक्ति होगा कि कोई नौकरी करता है, कोई खेती किसानी करता है, कोई कोई दूसरे बिजनेस में होंगे, और जब हम इस बिजनेस में आते हैं तो कई सारे अलग अलग टाइप के अनुभव हम लोगों को होते हैं। कई बार हम किसी बंदे को प्लान दिखा देंगे तो वो हमारा फोन उठाना बंद कर देता है, कई लोग घर पे होते हुए भी बोलते हैं मैं घर पे नहीं हूँ, कई लोग गली बदल देते हैं, कई लोग मुंह फेर के खड़े हो जाते हैं। तो ये सारे सीन देख करके कई लोगों को लगता है कहीं मैं 2 नंबर का काम तो नहीं कर रहा, कहीं मैंने कोई गलत काम करना शुरू तो नहीं कर दिया है, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। और कई लोग इन सब चीजों को, इस सदमे को झेल नहीं पाते और बिजनेस ही छोड़ के चले जाते हैं। तो मैं आज आप लोगों को बताना चाहूंगा, ऐसा मेरे साथ में भी हुआ था, लेकिन जब मेरी मुलाकात हमारे ग्रेट मेंटर से हुई और उन्होंने बताया कि ये सब करने के बाद जो आप लोगों को, जो आपको जो रिवार्ड इस बिजनेस की वजह से मिलने वाला है ना, वो एक बहुत बड़ी चीज है। आप परमानेंट एक विधायक की तरह, एक मंत्री की तरह जिंदगी जीने वाले हैं, और उसके लिए अगर आपको ये थोड़ी मोटी कीमत चुकानी पड़े तो इसके लिए तैयार रहना चाहिए। महागुरु जी लोगों ने मुझे बताया, और आप लोग भी अपने लेवल पे इस बात का हिसाब लगा के देखना कि अगर ये कुछ लोगों के रिजेक्शन झेलने के बाद अगर हमारे जीवन में ये सारी चीजें आती हैं, ढेर सारा पैसा, आज ये बिजनेस की बदौलत हमारे पास मौका है, हम लाखों रुपए महीने की इनकम ले सकते हैं, लाखों रुपए हफ्ते की इनकम ले सकते हैं। पिछले वीक का भी मेरा 2.5-3 लाख रुपए का चेक था, इस वीक में भी मेरा 2,30,000 रुपए का चेक है। कहां से इस तरीके का मौका हो सकता था हमारे पास, कहां से इस तरीके की अपॉर्चुनिटी हो सकती थी कि 15 दिन में 5 लाख, 15 दिन में 5 लाख। हेलो, तो ये पैसा आपके जीवन को खुशियां लाने के लिए, आपके जीवन को परिवर्तित करने के लिए लगातार सिप्स ऑफ कंपनी की तरफ से आपके पास आ सकता है। ये बिजनेस का रिवार्ड है। आप 6 फिगर की तो बात छोड़ो, आप 7 फिगर में इनकम इस बिजनेस की वजह से ले सकते हैं। ये मौका आपके पास में, फिर सारा मान सम्मान आज इस बिजनेस की बदौलत, इतना बड़ा रेस्पेक्ट। गांव में रहते थे तो हम खुद ही भूल जाते थे कि हमारा जन्मदिन है। आज पूरे भारत में अगर आप लोग देखेंगे, अलग अलग शहरों में, अभी मैं इससे पहले नॉर्थ ईस्ट की टीम की मीटिंग कर रहा था, वहां केक सेरेमनी कर रहे थे सारे टाइगर पूरे, करीबन 1,000 लोगों की मीटिंग थी। अभी इस मीटिंग में है, अभी इसके बाद बंगाल की टीम की मीटिंग है, कितने लोगों के मैसेज आ रहे हैं, मैं पढ़ भी नहीं पा रहा हूँ, रिप्लाई भी नहीं कर पाया हूँ, सोशल मीडिया पर लाइन लगी हुई है। तो ये प्यार, ये सम्मान, ये सारी खुशियां इस बिजनेस ने ही औकात बनाई नहीं, हमें तो कुतिया भी नहीं पूछती, और मार्केट में ऐसे पुलिया पर घूम रहे होते। ये बिजनेस आपको ऐसा औजा देता है, एक ऐसा लेवल देता है कि मेरे जैसे गांव के बंदे को कहीं ना कहीं जो इस तरीके की जिंदगी देता है, इस तरीके का जीवन बदलने का मौका देता है कि जिसका कोई जवाब नहीं। आपके पास में ये, सबके पास ये अपॉर्चुनिटी है, इस बिजनेस की वजह से ढेर सारा मान सम्मान, एक सेलिब्रिटी की तरह मान सम्मान आप प्राप्त कर सकते हैं। ये बिजनेस आपको मौका देता है, ढेर सारा समय। बहुत सारे लोगों के पास जिंदगी में पैसा होता है लेकिन समय नहीं होता। कई लोग बोलते हैं कि मेरे पास तो मरने की भी फुर्सत नहीं है, तो फिर जी क्यों रहे हो, मरने की भी फुर्सत नहीं है तो है? ऐसी जिंदगी का फायदा क्या? बहुत सारे लोग हैं परिवार के लिए, समाज के लिए, अपने आध्यात्मिक उन्नति के लिए समय ही नहीं होता उनके पास। तो कहीं ना कहीं ये बिजनेस की बदौलत आप एक अच्छा नेटवर्क बनाते हैं, अच्छे दमदार लोग मिलते हैं, और वो अपने अपने लेवल पर जिम्मेदारी निभाते हैं, और आपके पास समय ही समय होता है। आज हमारे ग्रेट महागुरु जी हैं, श्री संजय जैन सर, 50 लाख की टीम है, तो अभी महागुरु जी के पास समय ही समय है। वो एक आध महीने तक कहीं भी रहना चाहे रह सकते हैं, मालदीव में चले जाते हैं, महीनों महीनों तक समाधि में चले जाते हैं। अभी मीटिंग के बाद, तो ये एक सबसे बड़ी चीज है हम लोगों के लिए कि समय जो अनमोल चीज है, जैसे पैसे से भी नहीं खरीदा जा सकता। आपके पास में रोल्स रॉयल्स गाड़ी है, आपके पास करोड़ों रुपए हैं, लेकिन टाइम ओवर हो गया, अगर यमराज जी का बुलावा आ गया तो फिर आप उसमें कुछ रद्द बदल नहीं कर सकते, जाना है तो जाना है। तो जो समय परमात्मा ने हमें जीने के लिए मौका दिया है, समय में हम अपनी जिंदगी को 100% कैसे जी सकते हैं, ये बिजनेस हम लोगों को इस तरीके की अपॉर्चुनिटी देता है। बड़े से बड़ा घर बना सकते हैं आप इस बिजनेस की बदौलत। आज अगर आप लोग देखते हैं
हमारे तमाम ढेर सारे टाइगरों ने अपने अपने ड्रीम हाउसेस बनाए हैं, जो बड़े बड़े धन्ना सेठ जिस तरीके के घरों में रहते हैं, जिस तरीके की प्रॉपर्टी में रहते हैं, उस तरीके की प्रॉपर्टी आज हमारे टाइगरों ने खड़ी करी है। आप इस बिजनेस में आकर के स्क्वायर फीट या बरगद के हिसाब से नहीं, बल्कि बीघा के हिसाब से घर बना सकते हो, एकड़ के हिसाब से घर बना सकते हो। आपके मन में है तो आप ले लो, जो है अपना लखनऊ एक्सप्रेसवे के किनारे पे बढ़िया से कहीं 5-7 एकड़ जगह, उसके बीचों बीच में बड़ी कोठी तान दो, कौन मना कर रहा है आपको। ये बिजनेस आपको इस तरीके की आजादी देता है, किंग लाइफस्टाइल जीने का मौका देता है। बिजनेस की बदल बड़ी से बड़ी गाड़ी ले सकते हो। कितने ऐसे लोग हैं जिन पर नई साइकिल खरीदने का बजट नहीं था, नई साइकिल, और वो लोग आज इस बिजनेस की बदौलत ऑडी, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज, जैगुआर जैसी गाड़ियों के मालिक हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है दोस्तों, ये सारे अचीवमेंट आपको इस बिजनेस से मिलते हैं। लग्जरी लाइफस्टाइल, फर्स्ट स्टार होटलों में जाना, देश विदेश की यात्राएं करना, आईफोन मेंटेन करना, कहां हो पता इस तरीके की चीजें, कहां लोग सोच नहीं पाते हैं। 1.5 लाख रुपए का मोबाइल, 1.5 लाख रुपए में तो आदमी सेकंड हैंड कार ले आता, बोलेरो, मोबाइल में 1.5 लाख क्यों डालेगा, समझ रहे हैं हम। ये बिजनेस आपको ढेर सारी विदेश यात्राएं, हर 3 महीने में एक फॉरेन ट्रिप मिलती है इस बिजनेस की बदौलत, तो कितनी बड़ी बात है हम लोगों के लिए। हम पूरे दुनिया में भ्रमण कर सकते हैं, आपके व्यक्तित्व में 4 चांद लगते हैं। अभी आप लोगों ने पुराने और नए फोटो देखे, सारे चमकते जा रहे हैं, रवि जी, प्रबल जी, योगेंद्र जी, शर्मा जी, कृष्णपाल जी, डॉक्टर साहब, सबके 4 चांद लग रहे हैं। मैं अभी उपेंद्र जी की भी मैंने पुरानी फोटो देखी, अभी बिल्कुल एकदम बढ़िया टाइगर मॉडल जैसे लग रहे हैं, हैं? मेरी पुरानी फोटो देखो आप, चंपू जैसे लगते थे पहले। तो ये बिजनेस में मौका मिला है अपन लोगों को 4 चांद लगाने का, अपनी जिंदगी को बदलने का। ब्रांड, हम क्या जानते थे ब्रांड। अभी मैं एक टाइगर साहब को देख रहा था, वो स्वापी बांध के बैठे थे, तो मेरे को अपने पुराने दिन याद आ गए। ऐसे ही हम गाँव में स्वापी बांध के बैठे रहते थे, यही हेयर स्टाइल थी, यही लाइफ स्टाइल थी, काहे की लाइफ स्टाइल। पुलिया मास्टर आदमी, स्वापी बांध ली, लुंगी पहन ली, बनियान पहन के घूमते रहते थे, पूरी जिंदगी इसी में निकल जाती। लेकिन आज ये खुशनसीबी है, ब्रांड क्या चीज होती है अपन जान पाए इस बिजनेस में आने के बाद। मीटिंग ड्रेस क्या होती है, ट्रेवलिंग ड्रेस क्या होती है, नाइट ड्रेस क्या होती है, कैजुअल क्या होता है, फॉर्मल क्या होता है, तो ये आपके पास मौका है आज इस बिजनेस की बदौलत। आपको सोचना है, अगर ये सब कुछ मिलने वाला है और इसके लिए अगर कुछ लोगों का रिजेक्शन झेलना पड़े, कुछ लोगों की नानुकर झेलनी पड़े, आपको देखना है, आपको अगर ये सब कुछ चाहिए तो उसके लिए तैयार हो जाओ। अगर आपको ये सब नहीं चाहिए तो फिर जो चल रहा है वो चलने दो। आपकी जिंदगी है, आपको फैसला करना है। मैं बताना चाहूंगा, कई लोग सोचते हैं इसके लिए करना क्या पड़ेगा, तो सबसे पहली बात आप ये समझ लीजिए, लाखों की टीम बनाने के लिए लाखों बातें सीखने की जरूरत नहीं पड़ती। कई लोग सोचते हैं, बोले सर की 15 लाख की टीम है, ये तो बहुत दिमागदार आदमी होंगे। अरे अपन भी देसी ही हैं, ऐसे ही। इस बिजनेस में आने से पहले मेरे को कुछ भी नहीं आता था, जो भी सीखा है इस बिजनेस में आकर के सीखा है। जितनी भी स्पेलिंग मिस्टेक्स होती थी गूगल से करेक्शन करते हैं। गूगल से पहले तो मैं अपनी वाइफ से सही करवाता था, देख लो, मैडम से करवाता था करेक्शन। कहाँ आती है मेरी सब चीजें, कोई हम आइंस्टाइन की छठी वाला थोड़ी ना। महागुरु जी विजयपाल सर पहले जाता था मैं अपनी स्लाइड चेक करवाने के लिए, सर स्पेलिंग चेक कर लो। इन्विटेशन को मैं इन्विटेशन कहता था। तो ये बिजनेस है दोस्तों, आपको सब कुछ सिखा देगा। कुछ गिनी चुनी चीजें हैं, तो 4-5 बातें हैं, उनको समझ लो और पूरी शिद्दत से, पूरी दमदारी से बस उनकी पूंछ उखाड़नी है। एक बार अगर उन पर लग गए तो फिर दमदारी से लगे रहना, उन कामों को करते रहना। वो क्या गिनी चुनी चीजें हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा। जब हम लोगों की बिजनेस के अंदर एंट्री होती है तो एज ए कस्टमर हम लोग आते हैं बिजनेस में, सबसे पहले शुरू करने के लिए हमें एक शॉपिंग करनी होती है। शॉपिंग क्या हम इस बिजनेस में आने के लिए कर रहे हैं? कई लोग बोलते हैं मैं फंस गया, मैं लूट गया, क्या इससे पहले कपड़े नहीं खरीदे, केले के पत्ते लपेट के घूमते थे क्या, हैं? अरे थोड़े महंगे आ गए होंगे तो क्या, कौन सा तुम्हारा डाका डल गया, कौन सी तुम्हें लोन करानी पड़ गई, तेल, साबुन, शैंपू, नमक, मिर्च, धनिया क्या यूज नहीं कर रहे, कब तक यूज करोगे, जिंदगी भर करोगे। तो इस बिजनेस को करने के लिए हम कुछ अलग नहीं कर रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं। शॉपिंग पहले से भी कर रहे हो, कहीं रिटेल स्टोर से कर रहे हो, किसी दुकान से लेके आ रहे हो, वहां से प्रोडक्ट आपको मिलता है एमआरपी पे। कई लोग स्मार्ट है, वो अमेजन से, फ्लिपकार्ट से मंगाते हैं, तो वहां से प्रोडक्ट आपको 5-10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। बस
सेफ शॉप से शॉपिंग करोगे तो आपको 5-10% का डिस्काउंट भी मिलेगा, साथ में लाखों करोड़ों कमाने की बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी। आपको देखना है जीवन आपका, आप कहां से शॉपिंग करना चाहेंगे। एक डिसीजन, सिर्फ दुकान बदलनी है, सिर्फ दुकान बदलनी है और दुकान बदलवानी है, इसी से आपका जीवन बदलने वाला है। आसान है, इसमें कुछ ऐसा कोई हम अलग से कुछ नहीं कर रहे कि कोई शोरूम खोल रहे, कि हमें कोई बहुत बड़ा स्टाफ रखना है, कोई बहुत बड़ा स्टॉक करना है, 4-6 लाख रुपए के प्रोडक्ट भरने पड़ेंगे। एक अपनी जरूरत की चीज है, वैसे भी लक्स साबुन से नहा रहे हैं, लाइफ बॉय आ तो रहा है, लाइफ बॉय, अब लाइफ बॉय की जगह आप ये ले आओ सेफ शॉप वाला हर्बल शॉप, दंत कांति की जगह पे अपना टूथपेस्ट हर्बल पेस्ट है बढ़िया दमदार वाला, रसना और रूह अफजा की जगह रीलोड ले आओ, बस इतना ही तो करना है। इसकी शुरुआत खुद से करनी पड़ेगी। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ वो दूसरे लोगों को सलाह देते रहते हैं और खुद से 100% यूजर नहीं बनते, खुद से कंपनी के प्रोडक्ट यूज नहीं करते। आपको अपने आप से शुरुआत करनी है, पहले आपको जो चीज सलाह दूसरों को देने जा रहे हैं पहले आपको भरोसा करना है कंपनी के प्रोडक्ट दमदार हैं और मैं इन्हीं को इस्तेमाल करूंगा। आपको भरोसा होगा तभी दूसरे लोग भरोसा करेंगे। कल मीटिंग में महागुरु जी ने बहुत बढ़िया बात बताई, गूगल कंपनी का जो आज के टाइम में जो सीईओ है, जो आज उस कंपनी को संभाल रहा है, सुंदर पिचाई जो इंडिया से है, अगर वो चाहें तो उनको करोड़ों रुपए महीने की तनख्वाह मिलती है। वो जो भी मेगा से मेगा मोबाइल दुनिया में बनाए उसको अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन वो फिर भी गूगल का मोबाइल चलाते हैं। टाटा कंपनी आज अगर इतनी बड़ी कंपनी है कि वो आज कोई भी गाड़ी अफोर्ड कर सकती है, लेकिन वो अपने एम्प्लॉयज को टाटा की गाड़ियों से रिसीव करवाती है और टाटा की गाड़ियों से ड्रॉप करवाती है। आज उनके किसी भी ऑफिस में हिटाची और बुलटास के एसी लगे रहते हैं। इवन पानी भी अगर आएगा तो उनके हिमालय का ही आता है, उन्हीं के प्लांट से आएगा। आपको खुद से शुरुआत करनी है, आपको पहले अपनी कंपनी के प्रोडक्ट पर भरोसा करना है, तब आपको दूसरे लोगों को बताना है। एक छोटा बच्चा था वो गुड़ खाता था, उसकी मम्मी उससे बड़ी परेशान थी, बहुत ज्यादा गुड़ खाता था, तो उसको गांधी जी के पास लेके गई, सोचा कि गांधी जी अगर इसको कुछ करेंगे तो शायद गुड़ खाना छोड़ दे। तो जाके गांधी जी से बताया तो गांधी जी ने बोला कि आप उसको मैडम कल लेके आना। तो लेडीज अगले दिन लेके पहुंची, फिर गांधी जी ने बोल दिया कि मैडम कल लेके आना, फिर वो अगले दिन लेके पहुंची, फिर गांधी जी ने बोल दिया कल लेके आना। ऐसे 5-6 दिन चक्कर कटवाए, वो परेशान हो गई, बोला कुछ तो करो गांधी जी। तो उस बच्चे को बिठा लिया गांधी जी ने 6वें-7वें दिन जाके, और बच्चे को बोला बेटा गुड़ खाना बुरी बात है, तुम गुड़ खाना छोड़ दो। और उस लेडीज को बोला मैडम ले जा सकते हैं बच्चे को। उसको बड़ा गुस्सा आया, बोला इतनी सी बात बोलनी थी, इसके लिए 6-7 दिन चक्कर क्यों कटवाए, पहले दिन नहीं बोल सकते थे। गांधी जी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, मैडम पहले मैं खुद गुड़ खाता था तो इस बच्चे से कैसे बोल देता कि गुड़ खाना बुरी बात है। आपको पहले अपने अंदर इंप्रूवमेंट करना है, आपको कमिटमेंट लेना है कि मैं अपनी कंपनी के प्रोडक्ट पर भरोसा करता हूँ। मैंने कल एक फोटो डाला था, हमारे दमदार टाइगर हैं, डबल डायमंड लीडर हैं बंगाल से, निमाचंद मंडल जी, उन्होंने सारे प्रोडक्ट मंगाए, सब A to Z, कोई छोड़ा ही नहीं, सब मंगा लिया उन्होंने। 38,000 रुपए के प्रोडक्ट उन्होंने ऑर्डर किए। अब उनके घर कोई आएगा पूरा एकदम दुकान लगी देखेगा, कैसे कोई उनका डाउनलाइन या कोई बंदा बोल सकता है कि बोले सर आप यूज करते हो क्या। उनके पास सब है, बच्चे के लिए, मैडम के लिए, मम्मी के लिए, पापा के लिए, सबके लिए मंगा डाल। आपको खुद से शुरुआत करनी है। बिजनेस की अगर अपन लोग बात करते हैं तो 2 पैटर्न पे हमारा बिजनेस चलता है, पहला फर्स्ट परचेज पे और दूसरा रीपर्चेज पे। दोनों को ही करना जरूरी है, फर्स्ट परचेज को भी दमदारी के साथ में करना है, इससे नए नए लोग आपको मिलते हैं, नए नए ऑप्शन मिलते हैं, आपका चेक भी जो तगड़ा बनता है वो फर्स्ट परचेज से बनता है। दूसरा रीपर्चेज, आपको रीपर्चेज को भी दमदारी से प्रमोशन करना है। मैं दोनों के बारे में 10-10 मिनट बात करूंगा, दोनों को दमदार कैसे बनाया जा सकता है। फर्स्ट परचेज को दमदार बनाने के लिए मेरी आप लोगों को सलाह है कि हर एक टीम में मैंने देखा है कि जैसे अपलाइन करता है वैसी चीज कॉपी होती है। जैसे मैंने जब ज्वाइनिंग ली थी तो मेरे से मेरे सीनियर ने पूछा, बोला आप कौन सा प्रोडक्ट लेना चाहेंगे, तो मैंने उनसे उल्टा पूछा, मैंने आपने कौन सा लिया था, तो उन्होंने बोला मैंने तो सूट लिया था, तो मैंने बोल दिया मैं भी सूट लूंगा। उस समय लेने के लिए बीमा भी था, कंप्यूटर एजुकेशन, इंग्लिश स्पीकिंग, बहुत सारे कैमरा, वॉशिंग मशीन, बहुत सारे प्रोडक्ट थे,
लेकिन मैंने वही लिया जो मेरे सीनियर ने लिया था। आपकी टीम में भी ऐसा होता होगा, आपसे पूछता व्यक्ति तो आप बोलते हैं मैंने सूट लिया, मैंने साड़ी लिया, तो वो भी सामने वाला सूट साड़ी पे उंगली रखता है। लेकिन अगर आप एक पैटर्न बना लें कि भाई मैंने, आप सब लोग पहले अपने खुद के लिए भगवत गीता या संपूर्ण हनुमान मंगा लो, तो कोई आपसे पूछे कि आपने क्या लिया, तो आप दिखा दो मैंने ये लिया, तो सामने वाला व्यक्ति भी फिर वही लेगा। कई लोगों को लगता है कि इसको क्यों बेचना है, इसके कई फायदे हैं। सबसे पहला फायदा तो ये फुल सेल प्रोडक्ट है, 200 बिजनेस वॉल्यूम का प्रोडक्ट है। दूसरा फायदा ये है कि इसमें कलर का और डिजाइन का कोई चक्कर नहीं है। साड़ी दिलाओगे कलर डिजाइन ब्लाउज ये वो पता नहीं साला कितने लफड़े, आसाम की साड़ी नॉर्थ में आ जाए, नॉर्थ की साड़ी आसाम में चली जाए, साउथ की साड़ी इधर आ गई, इधर की साड़ी उधर चली, बड़े लफड़े। इसमें का कोई चक्कर नहीं, एक भी भगवत गीता वापस नहीं आई, कोई ये बोल ही नहीं सकता कि मुझे पसंद नहीं है। और तीसरी सबसे जरूरी बात, साड़ी सूट का कोई डेमो किसी को दे या ना दे, लेकिन ये एक ऐसा प्रोडक्ट है कि जिसके घर में आप दे दोगे वो दूसरों को डेमो दिए बिना रह ही नहीं सकता। पेन को लगा लगा के दिखाएंगे सबको कि देखो ये ऐसे चलता है, ऐसे चलता है, ये आदत होती है सबकी, यूनिक है वो, मोनोपोली है उसकी, हमारे पास किसी दूसरी कंपनी पे है ही नहीं वो प्रोडक्ट। तो जितना हम उसका दमदारी से प्रमोशन करेंगे आपके नेटवर्क में बड़े बड़े चेक बनेंगे। उसके साथ में आप फेस मास्क दिला सकते हैं, उसके साथ में आप फेस वॉश दिला दो और एक दो प्रोडक्ट और ऐड करके 12-13 हज़ार रुपए में आप फिक्स कर लो वहां। इससे आपके बड़े बड़े चेक बनेंगे। अब ये नहीं 3,000, 4,000, 5,000 की फर्स्ट परचेज से करा करा के ज्वाइनिंग करा रहे हो आप, तो रीपरचेज में तो वैसे ही नानी मर जाएगी उसकी। आप क्लियर कट बताओ कि बिजनेस को शुरू करने के लिए 12-15 हज़ार रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा, और उसके लिए आप उनको ये प्रोडक्ट रिकमेंड करिए जिससे आपकी टीम में बड़े बड़े और दमदार चेक बनेंगे। आज के टाइम में पहले की कंपैरेटिव काम करना बेहद आसान हो चुका है। अगर हम लोग पहले के अपेक्षा अगर अपन देखते हैं, अगर हमें यही प्रबल जी की और उपेन जी की टीम की मीटिंग करनी होती तो गाजियाबाद या नोएडा में कोई वेन्यू बुक होता और वहां पे सारे लोग इकट्ठे हो रहे होते और पांडे साहब प्रणाम, तो अभी अगर अपन लोग देखते हैं अगर ये मीटिंग हमें करनी होती नोएडा में, गाजियाबाद में, या फिर अपन लोग कहीं करते शिकवाबाद में या सैफई में, एक वेन्यू बुक करना पड़ता, वहां पे फिर डीजे लगता, फिर लंच के पैकेट बट रहे होते, फिर सब आते अजीम उशान सेंसा, फिर एंट्री हो रही है, हैं? तो अभी देखो हम नोएडा गाजियाबाद वालों की मीटिंग कर रहे हैं, थोड़ी देर बाद बंगाल वाली मीटिंग करेंगे। इतनी जल्दी तो फ्लाइट पकड़ के भी नहीं जा सकते थे हम बंगाल, इससे पहले नॉर्थ ईस्ट वालों की मीटिंग कर रहे थे। और खास बात यह, कई लोग सोच रहे होंगे सर इसमें हमारा क्या फायदा है, इसमें तो आपका फायदा, आप ज्यादा ज्यादा मीटिंग कर रहे हो। आपका फायदा ये है, आपका महीने में एक बार नंबर आता है, महीने में 4 बार नंबर आ जाता है। और सबसे बड़ी बात, पहले हर बार नंबर आता था तो मुंह दिखाई कुछ ना कुछ देना पड़ता था, अब ठंडी नहीं देनी, लिंक पर क्लिक किया मीटिंग में आ गए फटाक। और सबसे बड़ी बात, जो हमारे टाइगर पार्ट टाइम में बिजनेस को कर रहे हैं, नौकरी के साथ कर रहे हैं, बिजनेस के साथ कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कई लोग ड्यूटी पे हैं, साइड में फोन रखा हुआ है और उधर कार्यक्रम चल रहा है उनका, हॉस्पिटल में ही है कोई, कहीं है कोई, मेडिकल स्टोर पे बैठे मुस्करा रहे हैं टाइगर हमारे सब। अब छुट्टी लेने की कहाँ जरूरत है, पहले फालतू के बहाने बनाने पड़ते थे, साली की शादी है और शादी पहले ही हो चुकी है, फालतू में दोबारा करवा रहे हैं, कुछ ना कुछ तो बहाना मानना पड़ेगा ना, कैसे छुट्टी मिलेगी। अभी आसान हो चुका है, कोई बहाना मानने की जरूरत नहीं, लिंक आता तुरंत क्लिक करो, मीटिंग में हाजिर, इसका प्रमोशन करो, आप लोग लोगों को सिखाओ इसके बारे में। जूम पे आपके लेफ्ट राइट से कितने लोग हैं, उनको चलाना कितने लोगों को आता है, बस आपको एक्टिव करना, ना कोई किराया लग रहा, ना कोई पेट्रोल फूक रही, ना कोई रिजर्वेशन कराना, ना बस में धक्के खाने, आसान है। 500 किलोमीटर दूर बैठे बंदे को आप प्लान कर सकते हो,
भेज दो लिंक रांची में, यहीं बैठे बैठे प्लान दिखा दो रांची वाले। कलकत्ता वाले टाइगर भी अभी हमारे मीटिंग में जुड़े हुए, पांडे जी की टीम, फ्लाइट लेके आना पड़ता सर, है आगे भी ऐसे ही लिंक पर क्लिक करके। तो कहीं से फॉलोअप करा लो, पहले अगर प्रबल सर से फॉलोअप कराना होता तो बुलाना पड़ता इनको उधर। अभी गेस्ट हमारा कलकत्ता में, माँ गुरु जी हमारे नोएडा में, फॉलोअप चल रहा धुआंधार। लिंक कर लो तीनों को व्हाट्सएप पे, तीनों स्क्रीन पे आ जाएंगे। तो आज फॉलोअप करना हो, FIM करना हो, प्लान करना हो, ग्रुप मीटिंग हो, कोर्ट ट्रेनिंग हो, सारी एक्टिविटी करना बेहद आसान हो चुका है। डायमंड बनने में पहले 4-5 साल लगती थी पुराने जमाने में, अब मुझे भरोसा है 2-2.5 साल में आप डायमंड निकल कर दिखाएंगे, डायमंड बन बन के दिखाएंगे। अब सिर्फ बदलने की जरूरत है, जो बदल जाएगा वो इतिहास लिख जाएगा। दमदार काम करने के लिए अभी अगर अपन लोग देखेंगे, टारगेट जीतना भी बेहद आसान है। पहले 3 महीने का टारगेट था, इस बार 6 महीने का कर दिया। फर्स्ट परचेज भी काउंट हो रही है और रीपरचेज भी काउंट हो रही है। माँ गुरु जी ने कल टारगेट के बारे में बहुत दमदार बात बताई थी, 200 बिजनेस वॉल्यूम से ज्वाइन कराओ, 3 महीने का टारगेट होता है, 100 बिजनेस वॉल्यूम की 3 बार रीपरचेजिंग करा दो। एक ही बंदे की ज्वाइनिंग 500 बिजनेस वॉल्यूम से हो रही है, कितना आसान है टारगेट जीतना भी, डायमंड बनना भी आसान है। एक बंदे को अगर आप 8 महीने लगातार 100 बिजनेस वॉल्यूम की हर महीने शॉपिंग करा दो, 200 बिजनेस वॉल्यूम से ज्वाइन करा दो, एक ही व्यक्ति से 1 साल से पहले पहले 10 महीने के अंदर अंदर ही आपको 1000 बिजनेस वॉल्यूम का एवरेज आ जाएगा। और डायमंड बनने के लिए 10,000 की टीम नहीं, सिर्फ 2,000 लोगों को ज्वाइन कराना है, 2,000 लोगों को ज्वाइन करा के आप डायमंड बन सकते हैं। लेकिन इसके लिए कुछ आदतें हैं जिनको डेवलप करना पड़ेगा, पुराने ढर्रे पे चलेंगे बात नहीं बनेगी, कुछ बदलाव हैं जो अपने अंदर करने पड़ेंगे। सबसे पहली चीज है कि हमें डेली रिपोर्टिंग की आदत बनानी पड़ेगी। बहुत सारे लोग हैं जो डेली रिपोर्टिंग करते हैं, ईमानदारी से उनकी रिपोर्टिंग आती है, लेकिन कुछ लोग क्या है, बरसाती मेंढक की तरह है, कभी कभी टर टर करते हैं, फिर वो पता नहीं कहां गायब हो जाते हैं। मीटिंग हुई हर हर महादेव हर हर गंगे, और फिर उसके बाद में 1 महीने बाद फिर फोन आएगा, गुरु जी अब करूंगा, फिर एक दिन बोलेगा, उसके बाद फिर 1 महीने के लिए गायब। ऐसे कर करके आप 30 साल भी लगे रहो और यहां लगे रहो, चाहे किसी दूसरी में चले जाओ, तो कुछ नहीं होने वाला। आपको कमिटमेंट दिखाना पड़ेगा दमदारी के साथ एवरी डे। जिन लोगों के साथ में भी तगड़ा काम हुआ है, जो दमदारी के साथ में आगे बढ़ रहे हैं, उनकी आदत है साहब डेली रिपोर्टिंग। लोग पूछते हैं सर विकास जी का इतना तगड़ा काम कैसे हुआ, विकास जी डेली रिपोर्टिंग करते हैं। आपको उसको ऐसे नहीं है कि भाई रिजल्ट नहीं आया तो क्या रिपोर्टिंग करूंगा, दमदार नहीं हुआ, दमदार का क्या मतलब है, ये तो हमारी आदत है, हमें करनी है तो करनी है रिपोर्टिंग, काम हुआ नहीं हुआ इससे कोई मतलब नहीं है, आदत में है हमारी, हमें तो करनी है रिपोर्टिंग, बताना ही बताना है। नहीं हुआ तो हालचाल पूछने के लिए फोन कर लो, गुरुजी कहीं आपको कोरोना तो नहीं लग गया, यही पूछ लो क्या क्या जाता है इसमें। आदत बनाओ आप उसको, कमिटमेंट होना चाहिए, काम हो या ना हो, डीडी आई ना आई, लेकिन मैं रिपोर्टिंग जरूर करूंगा। जो टाइगर 1 साल के लिए बिना ब्रेक के रिपोर्टिंग की आदत डाल ले, मैं बोलता हूं उसकी आईडी पर रिकॉग्निशन चेंज होगी, चेक उसके दमदार 6 फिगर में चेक बने, करके देख ले। मुझे मालूम है वादा तो कई करेंगे, वादा निभाएंगे भी कई टाइगर, जो निभाएंगे उनकी रिकॉग्निशन बदलेगी। दूसरा काम है डेली मॉनिटरिंग। कई लोग क्या है कि जहां जिस टीम में होते हैं बस उसी टीम का ख्याल रखते हैं, बाकी लोगों को मॉनिटर नहीं कर पाते, लेकिन दमदार काम अगर आपको करना है तो मॉनिटरिंग पावर आपकी ऑल ओवर इंडिया लेवल पे होनी चाहिए। आपके पास आपके डायरी में आपके पैड में पूरे भारत के जो भी आपके दमदार सीनियर लीडर हैं सबके नाम नोट होने चाहिए, और आपको मॉर्निंग में सबको बढ़िया दमदार टास्क देना है। मैं देखता हूँ शैलेन जी की सवेरे 7 बजे से मीटिंग होती है, 7 बजे सारे लोग बढ़िया दमदार ड्रेस कोड में इकट्ठे हो जाते हैं और सबको टारगेट दे दिया जाता है, और रात को फिर 11 बजे मीटिंग होती है। इस मैनेजमेंट से, इस तरीके की मॉनिटरिंग से काम हो रहा है। एवरीडे हर टाइगर आता है, 10 मिनट की मोटिवेशनल टॉक सुनेगा, फील्ड में निकल जाता है, सब अपने अपने इलाके में निकल जाते हैं जहां जिसको काम जैसे करना। रात को फिर सब आकर के बताएंगे सर मैंने आज इतना किया, मैंने इतना किया,
700 से ज्यादा लीडर आज इस मीटिंग में, अगर एक एक डीडी डेली निकाल के लाएंगे रोज की 700 डीडी ला सकते हो आप, पावर है आप लोगों के अंदर, इतिहास बनाया जा सकता है। लेकिन इसके लिए जरूरी डेली मॉनिटरिंग, आपको अपने पैड में अपने जो टॉप 10 है, टॉप 5 है, टॉप 20 है, सबका नाम नोट करके और उनको सबको एंगेज करने की जरूरत है। कई लोगों को यही नहीं मालूम, लिंक भेज दिया तो मेरा बंदा मीटिंग में आया कि नहीं आया। मॉनिटरिंग आपकी परफेक्ट होनी चाहिए, तभी आप पता कर सकते हैं आपके कितने लोग मीटिंग में कितने नहीं है। बाबा जी का ढाबा बना के नहीं रखना, श्रद्धा अनुसार जो भी आए अपने समय का दान दें। मॉनिटरिंग को, पावर को पहचानिए। तीसरा, डेली क्लोजिंग, हर दिन को मंगलवार मान के काम करना है। कई लोगों का क्या रहता है कि वो मंगलवार के दिन ही क्लोजिंग करते हैं, बाकी दिन फेसबुक चलाते रहते हैं। आज का क्या टारगेट है, आज मैं क्या कर सकता हूं, इसके ऊपर फोकस करना बहुत जरूरी है। आज का दिन दोबारा मेरी जिंदगी में नहीं आएगा, इसलिए जरूरी है 100 बिजनेस वॉल्यूम, 200 बिजनेस वॉल्यूम, जो भी आप टारगेट सेट करते हैं अपने गुड मॉर्निंग के साथ में आप अपने एक्टिव अपलाइन को भेजो। शाम को गुड इवनिंग के साथ आपको बताना है कि आपने कितने परसेंट उस टारगेट को हासिल किया। जो टाइगर आज से इस आदत को बना लेगा उसके साथ बहुत बड़ा काम हो जाएगा। अब बैंक वालों को देखो, डेली क्लोजिंग करते हैं, ऐसा नहीं कि महीने के महीने देख लेंगे कितने आए कितने गए, बैंक ही डूब जाएगी। पेट्रोल पंप वालों को देखो, जैसे ड्यूटी चेंज होती है पूरा हिसाब लगाते हैं, कितना तेल बिका, मीटर को चेक करेंगे कितने पैसा आए, पूरा तोल मोल लगा करके हिसाब दे के मैनेजर को तभी जाएंगे। योगेंद्र सर ने दुकान चलाई है, जानते हैं पूरे दिन का शाम को हिसाब लगाते हैं कितना नगद हुआ, कितना उधार, जिंक, यूरिया, पोटास, कितना क्या क्या बिका, सब पूरा हिसाब लगा, गल्ले में कितने, सब पूरा टोटल करके तभी जाना है। हम लोग भी बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन की तरह बिहेव करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मालूम ही नहीं है क्या चल रहा कार्यक्रम, पहले से हम लोगों को प्लानिंग बनानी है मॉर्निंग में और इवनिंग में उसकी क्लोजिंग करनी है। चौथी सबसे जरूरी चीज है वीकली चेक। आप लोगों का मैंने पिछले एक महीने में जो चीज को नोटिस किया है, आपका बिजनेस वॉल्यूम लगातार बढ़ते स्तर पर है, पिछले वीक से नेक्स्ट वीक में आप लोग लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। चाहे आपने 100 ही बिजनेस वॉल्यूम बढ़ाए लेकिन बढ़ रहे हैं, सबसे बड़ी बात यह है, मुझे इस बात की खुशी है। लेकिन इसमें आप अपने चेक का भी टारगेट सेट करो, अगर पिछले वीक 1000 का चेक था तो अगले वीक 1200 का होना चाहिए, 1500 का होना चाहिए, 2000 का होना चाहिए, और अपने आप से वादा करके उसकी प्लानिंग बना करके उसके पीछे काम करो। ये खुद की पावर चेक करने का मौका है, इसमें डाउनलाइन और अपलाइन को कोसने से बात नहीं बनेगी। कई लोग ये करते रहते हैं, पिछली मीटिंग में हम लोगों ने बताया था, परिणामों के लिए जवाबदेही मेंटेन नहीं करते, दूसरे लोगों को दोषारोपण करते रहते हैं। आपको जवाबदेही मेंटेन करनी है और अपने चेक की स्वयं से जिम्मेदारी लेनी है। पहले अपना चेक रेगुलर करोगे फिर आपकी टीम का भी चेक रेगुलर हो जाएगा। अभी ओमबीर सर का फोन आया, मेरे को बता रहे थे गुरु जी आपके आशीर्वाद से मेरा चेक 1,60,000 का बना है। फिर बता रहे मेरी टीम में भी एक टाइगर का 43,000 का बना है, एक का 23,000 का बना है, उसका 56,000 का बना है। मैंने कहा वो तो बनेगा ही, जब सीईओ साहब का तन गया तो नीचे वालों का तो तनना ही तनना है। आप सब अपने अपने लेवल पर अपनी टीम के सीईओ साहब हैं, आपको अपना चेक तान के दिखाना है। चाहे 200 रुपए फालतू बने लेकिन पिछले वीक वाला रिपीट नहीं होगा, इस बात का कमिटमेंट अपने आप से करना। फोकस की बात होती है दोस्तों, जिस चीज पे हमारा फोकस होता है वही सारी चीजें हमारी जिंदगी में दिखती हैं, वही सारी चीजें हम लोगों को, अगर हमारे को फोकस हमारा प्रॉब्लम पे होगा तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम दिखेंगी चारों तरफ, फोकस अगर हमारा सॉल्यूशन पे होगा तो हमें सॉल्यूशन सॉल्यूशन ही दिखेंगे। अगर हमारे को लग रहा है कि हमारी टीम लटूरी है तो चारों तरफ लटूरा लटूरा ही दिखेंगे, और आपको लग रहा है मेरी टीम चैंपियन है, इतिहास लिखने वाली है, तो आपको चारों तरफ इतिहास लिखने वाले दमदार लोग दिखेंगे। फोकस को शिफ्ट करने की जगह जरूरत है। कैमरे का फोकस अगर आप कूड़े पर कर दोगे तो कूड़े की फोटो दिमाग में जाएगी और कूड़ा ही जिंदगी में हो जाएगा। फोकस अगर हमारे कैमरे का गार्डन पे होगा तो फूलों की तस्वीर जाने वाली है और जिंदगी में फूल ही फूल आने वाले। समस्या भी जीवन में है, अपॉर्चुनिटी भी जीवन में है,
देखना है तो सिर्फ हमें अपने नजरिए के हिसाब से हमें क्या जिंदगी में चाहिए उसी पर अपना फोकस रखना है, रिजल्ट ओरिएंटेड रहकर के काम करना है। कई लोग सोचते हैं सर मैं बिजी हूं, बिजी रहना सफलता की निशानी नहीं है, कहां बिजी हो इस बात से सफलता मिलती है। किसी बंदे को अगर गड्ढे खोदने आता है और वो अपने आंगन में गड्ढा खोदता रहेगा तो इस बात से उसको पैसा नहीं मिलेगा, कहां गड्ढा खोदना ये भी जरूरी है। तो आपको फोकस करना है, 24 घंटे भगवान ने दिए, 8 घंटे सो लिए, 8 घंटे दूसरे काम करते हो, आप अपना नौकरी करो, दुकान चलाओ, खेत का काम करो, फिर भी 8 घंटे और बचे, हिसाब लगाओ वो 8 घंटे कहां जा रहे हैं, उसमें से आप कितना सेफ शॉप के लिए दे रहे हो, कितना अपने सपनों के लिए दे रहे हो, सेफ शॉप के लिए नहीं अपने सपनों के लिए। तो ये कैलकुलेशन करना, अपने टाइम का सही से मैनेजमेंट करना, जब आप अपने शेड्यूल को बिल्कुल लेंस लगा के देखने लग जाते हो, माइन्यूटली चेक करने लगते हो, मिनट मिनट का हिसाब लगाने लगते हो, तो आपको पता चलता है आपके पास टाइम ही टाइम है, आप बहुत काम कर सकते हो। आज से इस कमिटमेंट पर काम करना है। बाकी फर्स्ट परचेज को दमदार बनाने के लिए जो बेसिक हमारे काम होते हैं वही काम करने हैं हमें, जैसे लिस्ट बनाना है, लोगों को इन्विटेशन करना है, प्लान दिखाना है, फॉलोअप करना है, ये सारी चीज आप लोगों को मालूम है। और मैं एक ही स्लाइड में अगर ये कहूं तो ये रोटेशन है, ये साइकिल है, इसको लगातार रोटेट करने की जरूरत है कि जैसे कोई भी व्यक्ति ज्वाइन होगा सबसे पहले हम उसके FIM करेंगे, फिर उसकी लिस्ट बनवाएंगे, इन्विटेशन करना सिखाएं, उनको प्लान के बारे में टिप्स दीजिए, फॉलोअप के बारे में बताइए, सेल की क्लोजिंग करिए, फिर उनकी FIM करिए, फिर उनकी लिस्ट बनवाइए, फिर इन्विटेशन, फिर प्लान, फिर फॉलोअप, लगातार ये साइकिल ही रिपीट होते रहता है। कई लोग बोलते हैं सर मेरी 1 लाख तो दमदार चली, दूसरी नहीं चली, तो दूसरी में ये 5 चीजें चेक करके देखो, लिस्ट, प्लान, फॉलोअप, FIM और कोड ट्रेनिंग, जिस टीम में बरकरार ये सारी चीजें हो रही है उस बंदे का मीटर तनेगा ही तनेगा, उसके साथ दमदार काम होगा ही होगा। आपको अपने अपने लेवल पे ये 5 चीजों को चेक करने की जरूरत है। अगर ये 5 काम दमदारी से आप कर रहे हैं तो आपका काम दमदार चलने वाला है। अब मैं बात करूंगा रिपर्चेस की, रिपर्चेस को दमदार करने की क्यों जरूरी है और रिपर्चेज की पावर क्या है। पहली बात तो मैंने आप लोगों को बताया, जब हम इस कंपनी से सपने देख रहे हैं और हमारे को दाल रोटी हमारी यहीं से चलने वाली है तो हमें प्रोडक्ट भी यहीं के इस्तेमाल करने हैं। दूसरा, हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है और हम दिल से लोगों को बता पाते हैं कि इस प्रोडक्ट में दम है या नहीं। इसलिए जरूरी है कि हम अपनी सेफ शॉप कंपनी के ही प्रोडक्ट यूज करें और इन्हीं के बारे में लोगों को बताएं। इसका कितना बड़ा फायदा आपको हो सकता है मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूं। 2 टाइप के लोग होंगे, एक मार्केट से शॉपिंग करने वाला होगा, एक सेफ शॉप से शॉपिंग करने वाला होगा। कई लोग प्राइस डिफरेंस के चक्कर में पड़ जाते हैं कि वहां से महंगा है यहां से सस्ता है, तो कहीं से सस्ता खरीद लोगे तो आप कितना पैसा बचा लोगे उसमें सस्ते वाला लेके। 2 चीज होती है जिंदगी में, इनको लिख लो आप अपने पास, एक होता है मनी मेकिंग और एक होता है मनी सेविंग। सेविंग अगर कोई आदमी करता है तो अपनी जिंदगी में वो अपनी कभी भी इनकम से ज्यादा सेविंग नहीं कर सकता। कोई 20,000 महीने के कमाता है तो कंजूस होगा तो 10,000 रुपए महीने की सेविंग कर लेगा, माँ कंजूस होगा तो 15,000 की कर लेगा, और बड़ा कंजूस होगा तो 20,000 की कर लेगा। केले के पत्ते लपेट के घूमे, कंदमूल फल खाए, हैं 22,000 की नहीं कर सकता, 20 कमा के 22 बचा ले। तो फोकस हमारा अगर होना चाहिए तो पैसा बचाने पे नहीं, पैसा बनाने पे होना चाहिए। आप साबुन यूज कर रहे हो तो आप ये मत देखो कि मैं कौन सा वाला लाइफ बॉय ले लूंगा तो उसमें कितने बचा लिए, आप ये देखो अगर मैंने सेफ शॉप वाला से नहाया तो कितने पैसे बना लिए। फोकस अगर बनाने पे होगा, आज अगर हमें 10 रुपए भी मिल रहे हैं, आने वाले टाइम में जब 1,000 लोग होंगे तो वो 10,000 में कन्वर्ट हो जाएंगे। मैं बहुत पहले मैं एक महागुरु जी के साथ में बातचीत करा रहा तो महागुरु जी ने मेरे को एक एग्जांपल देकर के बताया था, 100% और 5%। अगर कोई बंदा एक दुकान चला रहा है, एग्जांपल के लिए योगेंद्र जी ने अपनी खाद बीज की दुकान खोली हुई है, एक दुकान चला रहे हैं और उसका 100% प्रॉफिट इनको मिलता है, एक ऑप्शन तो ये है। दूसरा ऑप्शन ये है
कि इनके इलाके में पूरे सिकोवाबाद में जितनी दुकानें हैं उन सारी दुकानों का 5% इनको मिलेगा। फायदा किसमें, 100% में या 5% में? 5% में मागू जी। कई लोगों को लगेगा 100% ज्यादा होता है, 5% में फायदा कैसे हो जाएगा, क्योंकि 100% जो मिल रहा है वो सिर्फ एक का मिल रहा है, और 5% जो आपको मिल रहा है, अगर 100 दुकान हुई तो 100 का 5% मिला के वो 500% हो जाएगा। कई लोग अपनी जिंदगी में बस इसी चीज पर फोकस करते हैं, वो अपना समय, अपनी मेहनत, अपना हुनर, अपना ये, अपना वो। तुम अपना कुछ भी करोगे तो 100% दे सकते हो, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन जब आप टीम वर्क में काम करने लगते हो तो आपका वो काम मल्टीप्लाई होके 500% भी हो सकता है, 1000% भी हो सकता है। आज मेरी 15 लाख की टीम है, लोग एक एक घंटा भी काम करेंगे तो 15 लाख घंटे काम होगा। मैं सोच सकता हूं कभी 15 लाख घंटे के बारे में? पैसा बचा रहे हो आप तो सिर्फ एक ही 100% अपनी फैमिली पे और अपने खर्चों पे फोकस है आपका। लेकिन पूरे इंडिया की फैमिली को कनेक्ट कर दिया जाए डायरेक्टली इनडायरेक्टली, उसका अगर आपको कुछ पॉइंट भी मिलने लगे तो भी वो लाखों में कन्वर्ट हो जाएगा दोस्तों। और आज मैं आपको एक टेक्निक बताने वाला हूं कि आप अपने घर का राशन फ्री कैसे कर सकते हैं। नॉर्मली जो हमारे घर का राशन है, जो हमारे घर के जो सामान है, जरूरत की चीजें हैं, लाल रसोई के प्रोडक्ट हैं, जैसे तेल, साबुन, शैम्पू, नमक, मिर्च, धनिया, ये सबको चाहिए कि नहीं चाहिए? साबुन है, क्रीम है, शैम्पू है, ये सारी चीजें, फेस वॉश है। मैंने इसमें नोनी, एलोवेरा, डायवा केयर ऐसा कुछ नहीं लिखा, ये सिर्फ वो चीज लिखी है जो आपको चाहिए चाहिए, ये ले ही रहे हो आप। और इनका अगर आप देखेंगे तो करीबन करीबन एमआरपी जो है वो 8314 है और एसएसपी जो बैठ रहा है 6974, अगर सब मंगाओगे तो 64 बिजनेस वॉल्यूम बनता है। और अगर आपने ये 100% यूजर बनना शुरू किया और एक महीने में अगर आप अपने ये प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहे हो और अगर आपके ये सारे प्रोडक्ट फ्री हो जाए तो कैसा रहेगा? कितने लोग जानना चाहते हैं ये फ्री कैसे होंगे? सारे लोग? तो इनका फ्री करने का जुगाड़ बता रहा हूं आपको, ध्यान से समझ लो इस स्लाइड को। आपने सबसे पहले अपने लिए खुद से ऑर्डर करना है प्रोडक्ट, खुद से ऑर्डर करने के बाद अपनी टीम में 5 लोगों को आपको 100% यूजर बनाना है अपनी तरह, 5 लोग। आप ये समझ लीजिए आप बिजनेस में हो, धंधा कोई भी हो, छोटा हो या बड़ा हो, चाय की दुकान, पान का कोका, पंचर की दुकान, बिना ग्राहक के नहीं चलती। बड़ा धंधा, टाटा के ट्रक भी बेच रहे हो ना तो उसको भी ग्राहक चाहिए। सिलाई की अगर काम भी कर रहे हैं, सिलाई का काम, उसमें भी ग्राहक चाहिए। तो यहाँ पे भी आपको 5 लोग ढूंढने हैं, 5। कई की तो टीम यहाँ पे 5 से क्या 50 से भी ज्यादा की होगी, 500 से भी ज्यादा की होगी, तो 5 तो ऐसे चुटकी बजाते उनके साथ आ जाएंगे। 5 को 100% यूजर बना के फिर उनकी टीम में 4-4 और बनवा दो, 4-4, आपकी टोटल टीम में 25 लोग 100% यूजर हो जाएंगे। 60 बिजनेस वॉल्यूम की भी शॉपिंग करी, 1500 बिजनेस वॉल्यूम बनेगा और आपका चेक बनेगा 7,500। शॉपिंग करी आपने 6,900 की और चेक बना आपका 7,500। तो आप अपने व्हाट्सएप पे लिख सकते हो, मेरे घर अच्छी क्वालिटी का राशन फ्री आता। लोग भी पूछेंगे कैसे, बोले आजा प्लान में बताता हूं कैसे। आज से इसकी शुरुआत करनी है। कोई टाइगर हो सकता है अगले 2 महीने में अपने घर का राशन फ्री कर लेगा, कोई टाइगर 3 महीने में कर लेगा, लेकिन कमिटमेंट ले लेना है आपको, आज नहीं तो कल मुझे हर हाल में अपने घर का राशन फ्री करके दिखाना है। वादा करते हैं आप लोग? यस। करके दिखाएंगे? यस। पोटेंशियल इसके अंदर जबरदस्त है दोस्तों। अगर आप फ्री करोगे आपकी टीम भी फ्री करेगी, तब आपका क्या लेवल होगा और आपका क्या पोजीशन होगी मैं आपको दिखाता हूं एक स्लाइड, उसके बाद मीटिंग को क्लोज करेंगे। लास्ट स्लाइड है, ध्यान से समझ लीजिए, आपको आपका जीवन बदल सकती है ये। सपोज दैट आपने अपने साथ 5 लोगों को स्पॉन्सर किया बिजनेस में और इन लोगों ने 50-50 बिजनेस वॉल्यूम की भी शॉपिंग करी, तो आपका 250 बिजनेस वॉल्यूम बनेगा।
चेक बनेगा 1250 रुपए का, दोनों लैब पर काम कर रहे हैं तो चेक बनेगा 625 का। दूसरे स्टेप में 5 लोगों ने भी 5-5 लोगों को स्पॉन्सर किया, तो आपके साथ नए लोग आएंगे 25, टोटल लोग हो जाएंगे 30, बिजनेस वॉल्यूम 1500, चेक बनेगा 7500। तीसरे स्टेप में नए यूजर होंगे 125, टोटल यूजर 155, 7750 का बिजनेस वॉल्यूम और चेक बनेगा 38750। जो लोग अपनी टीम में 150 लोगों को 100% यूजर बना लें, 50 BB का प्रोडक्ट खरीदने के लिए मोटिवेट कर लें, 40,000 रुपए महीना उनको आ सकता है। चौथे स्टेप में अगर आप जाएंगे तो नए यूजर 625, टोटल यूजर हो जाएंगे 780, बिजनेस वॉल्यूम 39,000 और चेक बनेगा 1,95,000 का। पांचवें स्टेप में नए यूजर 3125, टोटल यूजर 3905, बिजनेस वॉल्यूम 1,95,250 और चेक बनेगा आपका 8,00,000। कैपिंग पर चले जाएंगे आप। छठवें स्टेप में नए यूजर 15,625, टोटल यूजर 19,530, बिजनेस वॉल्यूम 9,76,500 और अगर आप दोनों लैब पर भी काम कर रहे हैं तो आप कैपिंग पे चले जाओगे, 8,00,000 रुपए की कैपिंग आपको आ रही। अगर आप ये काम एक एक महीने में करते तो अगले 6 महीने में आपका ये लेवल आ सकता है। अगर आपको लग रहा है अगर एक एक महीने में नहीं हुआ तो दो दो महीने में कर लो तो 1 साल में आ जाएगा, 6-6 महीने में भी कर लोगे तो 3 साल में ये लेवल आ सकता है, 1-1 साल में भी कर लोगे तो 6 साल में आ जाएगा। अगर आपको लग रहा है अगर इतना भी नहीं हुआ तो अगर इसका 10% भी हो गया, अगर इसका 10% भी हो गया तो जहां 24,00,000 दिख रहा है उसकी जगह 2,40,000 हो जाएगा, 10% भी 2,40,000 है। ढाई लाख रुपए महीने इसका 10% भी कर लिया तो अब जिंदगी आपकी है, फैसला आपको करना है। मेरा काम बताने का था, पोटेंशियल इसके अंदर अनलिमिटेड है। बाबा रामदेव को यह बात समझ में आ गई, अकेले हैं, ना कोई शादी है, ना बीबी है, ना बच्चा है और निकल गए स्वदेशी का झंडा लेके 10,000 करोड़ का बिजनेस करते हैं आज वो। हमारी और आपकी 10 करोड़ में लाइफ सेट हो जाएगी, 10,000 करोड़। हिंदुस्तान लीवर 80,000 करोड़ रुपए कमा रही है। मैंने भी नहीं सोचा था कि 15,00,000 की टीम बनेगी, कभी मैं 20 करोड़ के क्लब में आ जाऊंगा, लेकिन आज हो गया। तो मौका आपके पास में भी है, डिसीजन आपको लेना है। ये सब कुछ आपका इंतजार कर रहा है। आप नहीं जाएंगे लोगों के पास, लोग तो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, लोग तो तेल साबुन शैम्पू लगा रहे हैं। आप अगर उनको जाकर के अपने प्रोडक्ट के बारे में बताओगे तो आपका प्रोडक्ट लेने वाले हैं। कंपनी आज आप लोगों को ढेर सारे मौके दे रही है, 15% का बोनस दे रही है, 10 दिन बचे टारगेट के अंदर मीटर तान दो, जिन लोगों का टारगेट नजदीक है अपना 100% टारगेट करके दिखाओ। हर हाल में आपका टारगेट होना चाहिए, आपकी ऐसी टीम है, प्रबल जी की ऐसी टीम है, 24 घंटे में भी टारगेट कर करके दिखाया है। तो इस बार मीटर तानना है और हम लोगों को अपना सबसे हाईएस्ट चेक बना करके दिखाना है। मेरी ओर से आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को जो भी बातें बताई आप लोगों को ये समझ में आई होंगी और आप एक एक बात का पालन करेंगे और अपने जीवन को बदलने का काम करेंगे, अपने जीवन में 4 चांद लगाने वाले हैं। ऐसी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आप लोग आज इस मीटिंग का हिस्सा बने, आप लोगों ने मेरे बर्थडे को सेलिब्रेट किया, मैं आप सब लोगों का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी ओर से, थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो डायमंड एंड गो कैंपिंग, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका गुरु जी, थैंक यू सो मच गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका गुरु जी, बहुत ही शानदार ट्रेनिंग रही गुरु जी, दिल खुश हो गया गुरु जी, अभी तंगड़ा वाला मुट्ठी बांधने वाले हैं सभी लोग जी। गुरु जी बहुत बहुत धन्यवाद। योगन सर गुरु जी, थैंक यू वेरी मच मां गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही शानदार सेशन रहा गुरु जी आपका, अभी सारे टाइगर दमदार हैं गुरु जी, करके दिखाएंगे। उपेंद्र यादव जी की फौज आई है तगड़ी वाली, उपेंद्र यादव जी अभी कमिटमेंट करते हैं पूरा करके दिखाते हैं, डेफिनेटली उन्होंने हमेशा किया, इस बार फिर डेफिनेटली करके दिखाएंगे, उसमें हम सब लोगों का पूरा सपोर्ट है उनके साथ, जैसे भी चाहें।
बाकी मैं चाहूंगा रवि सर स्क्रीन पे आए, कुछ टाइगर्स को ऑन करके उनका कमिटमेंट लें। उससे पहले मैं चाहूंगा, अच्छा डॉक्टर साहब भी हमारे स्क्रीन पे हैं, तो सर काफी अगर आशीर्वाद थोड़ा टीम को मिल जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा। डॉक्टर साहब स्वागत है आपका, प्लीज वेलकम। डॉक्टर साहब सुन रहे हैं आप मुझे? सर क्या सर